नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये है हिलक्वेस्ट टीवी और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। लाहौल भूस्खलन, इसरो के सैटेलाइट डाटा की मदद से अध्ययन शुरू। पीर पंजाल रेन से भारी भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसरो के सैटेलाइट डाटा की मदद से जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जल आयोग और एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर हालात का जायजा लिया। बीते 13 अगस्त को सुबह नालड़ा और जसरुद गाँव के बीच पीर पंजाल की पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन होने से चंद्रभागा का बहाव करीब 2 घंटे तक रुक गया था। इसे अस्थायी झील बन गई थी। तड़ंग गाँव के कुछ घरों समेत खेत खलिहान जलमग्न हो गए थे। हादसे के पीछे वैज्ञानिक तथ्य खोजने के लिए केंद्रीय जल आयोग और एनडीआरएफ की टीम ने इसरो के सैटेलाइट डाटा की मदद से अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रारंभिक अध्ययन में स्थिति सामान्य होने के संकेत मिले हैं, बावजूद इसके वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखेंगे। जिला हमीरपुर में 29 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में सोमवार को कुल 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 27 और आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि जिला में सोमवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1299 सैंपल लिए गए, जिनमें से 27 पॉजिटिव निकले, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिला हमीरपुर की उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने भूरंज अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का लिया जायजा। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने सोमवार को नागरिक अस्पताल भूरंज का दौरा करके वहां विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अस्पताल के नए भवन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अस्पताल के नए भवन का कार्य युद्ध स्तर पर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए भवन में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा तथा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से नागरिक अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उपायुक्त के साथ एसडीएम राकेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर के अग्निहोत्री, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ललित कालिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा राज्य सरकार को सौंपा। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सोमवार को राज्य सरकार को सौंप दिया है। मसौदे की कॉपी आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार हो सकता है। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए 2 चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पीड़ित परिवार की अपील, कोई वकील न करे आरोपी प्रशिक्षु डेंटल डॉक्टर की पैरवी। हाल ही में सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में हुए बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कातिल प्रशिक्षु डेंटल डॉक्टर का इरादा घर के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतारना था। इसके लिए वो पूरी तैयारी से आया था। पीड़ित परिवार व लड़की ने अपील की है कि कोई मानवता के नाते कोई भी कातिल युवक के लिए पैरवी ना करे, ताकि ऐसे मानसिकता के लोगों को संदेश चला जाए कि समाज में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। वहीं नामधारी सिख संगत व परिजनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप मांग की है कि उक्त मामले में आरोपी को 1 वर्ष के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। अफगानिस्तान में युद्ध का निर्विवाद विजेता है अब्दुल गनी बरादर, ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा। द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में लिखा, काबुल के पतन को लेकर टेलीविजन पर जारी एक बयान में बरादर ने कहा कि तालिबान की असली परीक्षा केवल शुरू हुई है और हमें देश की सेवा करनी है। रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल गनी बरादर की अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अफगानिस्तान अपने खूनी अतीत से बचने में पूरी तरह समर्थ रहा है। धर्मशाला में यह कैसा हंगामा, मुंडन और आत्मदाह के किसने और क्यों दी धमकी। शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र धारकंडी और बरनेट के लिए सड़क की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में युवा पिछले 4 दिन से धरने पर हैं। आमरण अनशन पर बैठे युवाओं ने अब आत्मदाह करने तक की धमकी दे दी है। वहीं आज भी अगर प्रशासन से कोई बात करने नहीं पहुंचता है तो अनशन पर बैठे 200 युवक अपना मुंडन करवाएंगे। जिला परिषद सदस्य पंकू ने कहा कि उनकी सरकार होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज के आधुनिक समय में भी धारकंडी और बरनेट में गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति को पालकी पर
30 किलोमीटर उठाकर ले जाना पड़ता है। आखिर उन्हें कब सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मिलेगी? उन्होंने कहा कि अगर जल्द कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो युवा प्रदर्शन और तेज करेंगे। कांग्रेस को झटका, महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल, आज ही सोनिया गांधी को दिया था इस्तीफा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व सांसद सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई हैं। उन्हें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व डेरेक ओब्रायन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुष्मिता देव ने आज ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से दी थी। इससे पहले सुष्मिता देव ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ दिया था। वही ट्विटर पर भी बायो बदल कर पूर्व पार्टी नेता कर लिया था। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर ताजिकिस्तान भाग चुके हैं, लेकिन यहां फंसे आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काबुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां सोमवार को भगदड़ जैसे हालात दिखे। काबुल से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन वहां भगदड़ मच गई और फायरिंग तक करनी पड़ी। एक एजेंसी ने चश्मदीदों का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि उसने खून से सने 5 शवों को गाड़ी में ले जाते हुए देखा। एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ होने के बाद ही यहां पर विमानों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। वहीं तालिबान की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबानी लीडरशिप काबुल में आ सकती है और उसी के बाद नई सरकार बनाने का सिलसिला शुरू होगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र धाम में ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सप्तमी को लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। सोमवार को शक्तिपीठ में दुर्गा अष्टमी की धूम रही। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट या वैक्सीन प्रमाण पत्र के बिना श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। परचेस सिस्टम द्वारा ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुजारी वर्ग और SDM मनोज ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को श्रावण अष्टमी की शुभकामनाएं दी। SDM मनोज ठाकुर ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में कोरोना नियमों की पालना की गई है और पूर्ण व्यवस्था से सभी को दर्शन करवाए गए। नो मास्क, नो पर्ची, नो दर्शन की कवायद को प्रशासन ने अपनाया। शहर में 5 जगह नाके लगाए गए थे जहां श्रद्धालुओं की जांच की गई और पर्ची देकर उन्हें दर्शन करवाए गए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे हिल्कुल चैनल। धन्यवाद।